गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स ये चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज बनाए थे और आज दूसरा स्टार्ट करेंगे। थ्री क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स। देखिए, हेल्प बॉक्स आपका पीछे है, उसमें ज़्यादा वर्ड तो है नहीं, दो चार ही वर्ड दिया गया है, तो उससे तो कुछ नहीं है। बट ये अपने से चैप्टर अगर आप अच्छे से रीड किए हैं तो आप ये खुद से बना लेंगे। देखिए, पूछा है फर्स्ट में राहुल सिस्टर इज डैश, राहुल की बहन कौन है? तो राहुल की बहन खुशी है। फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ डैश फैमिली, मम्मी पापा और उनके बच्चे कैसा फैमिली बनाते हैं? न्यूक्लियर मीन्स स्मॉल फैमिली। अब आया है नंबर थ्री, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ डैश फैमिली, वो कैसा फैमिली होता है जिसमें दादा दादी मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं? वो होता है जॉइंट फैमिली। ओके, फादर एंड मदर आर कॉल्ड, मम्मी और पापा को क्या कहा जाता है? पेरेंट्स। ठीक, निकिता एंड सोम्स आर खुशी, खुशी निकिता और सोम जो है खुशी के कौन लगेंगे? वो उनके कजिन्स लगेंगे, चचेरे भाई बहनों के। नंबर सिक्स, माई फादर इज माई कजन्स डैश, मेरे पापा मेरे कजन्स के मीन्स मेरे चचेरे भाई बहन के मेरे पापा कौन लगेंगे? अंकल लगेंगे। ठीक, वाइफ ऑफ एन अंकल इज कॉल्ड, अंकल की पत्नी को क्या कहा जाता है? आंट चाची कहा जाता है। ठीक, माई अंकल इज माई फादर्स डैश, मेरे अंकल जो है मेरे पापा के कौन लगेंगे? भाई लगेंगे, ब्रदर। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर माई कजन्स ग्रैंड पेरेंट्स टू, मेरे दादा दादी मीन्स मेरे दादा दादी जो हैं ग्रैंड पेरेंट्स जो वे मेरे कजन्स के भी कौन लगेंगे? उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स लगेंगे। ठीक, माई अंकल इज माई ग्रैंड पेरेंट्स सन, मेरे अंकल जो हैं मेरे ग्रैंड पेरेंट के कौन लगेंगे? बेटा लगेंगे। समझे? तो यही देखिए हेल्प बॉक्स था, इसमें उतना वर्ड नहीं है, तो आप इसे लर्न करेंगे, समझेंगे, समझ के लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग, भी आज हम इसे बना ही लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आंट का क्या हो जाएगा? अंकल। ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर। फैमिली विद देयर रिलेशन, ठीक, उसके रिलेशन से मैच करने के लिए कहा गया। फादर का हो जाएगा मदर। सन का हो जाएगा डॉटर। ग्रैंडफादर का हो जाएगा ग्रैंड मदर। ओके, तो आप इसे कंप्लीट कीजिए अच्छे से एंड चेक करवाइए, जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में लिखेंगे। ओके।